Let me explain you about the Financial Control 21. Financial Control 21, FC 21, is a advanced cash flow mastery implementation program. इसके अंदर हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं आपका कैश रिच बिजनेस फास्ट, जिसके अंदर जगमोहन सिंह यानी कि मैं पर्सनली ना आपको हैंड होल्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि इंस्टॉल हो सके आपके यहां पर प्रूवन कैश फ्लो मास्टरी के ब्लूप्रिंट। तो हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है आपके बिजनेस को। देखो, बिजनेस ना कैश स्टार्व्ड नहीं होना चाहिए, बिजनेस तो कैश फ्लडेड होना चाहिए। देखो, जो 2% हाईली सक्सेसफुल कैश रिच बिजनेस है ना, तो जो आपको ना मास्टर करना है उन सक्सेसफुल बिजनेस की टेक्नोलॉजी को जो कि एग्जिस्ट करती है फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर, एडवांस फाइनेंशियल कंट्रोल और कैश फ्लो के मास्टरी के ब्लूप्रिंट। ये ना एक अकेला एक ऐसा प्रोग्राम है फाइनेंशियल कंट्रोल 21, जिसको अब हम क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। कैसे करेंगे, इसके ना प्राइमरली तीन आस्पेक्ट है। पहला एक है इसमें एडवांस लर्निंग, दूसरा इंप्लीमेंटेशन, तीसरा ऑडिटिंग, जिससे कि पॉसिबल होता है आपका कॉन्स्टेंट कैश फ्लो, चेक्स एंड बैलेंसेस आपकी कंपनी में लग रहे हैं और आपका बिजनेस हो रहा है थ्राइविंग, ग्रोइंग अमेजिंगली कैश रिच बिजनेस। क्या करके, एफसी 21 के सिस्टम को इंप्लीमेंट करके। तो एडवांस लर्निंग में हम क्या कराते हैं, ऐसे ना 21 गोल्डन फाइनेंशियल कंट्रोल के टूल्स हैं और कैश फ्लो मास्टरी के टूल हैं, जो कि हम उसके बारे में आपसे मैं डिटेल में बात करूंगा, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। आपको क्या होगा, एक डेडिकेटेड पर्सन मिलने वाला है जीएसए की तरफ से, जो इन सभी टूल को इंप्लीमेंट करेंगे आपके अकाउंटेंट के साथ मिलके। और ऑडिटिंग जब हम करेंगे ना, उससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, ताकि हम बिल्कुल ट्रैक पर है क्या चीजों के, जिस तरह से होनी चाहिए, कोई गैप तो नहीं है उसके अंदर, ये हम काम करते हैं। अब देखो कुलदीप सिंह जी क्या कह रहे हैं, कुलदीप सिंह जी जो कि के हाईटेक के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई डेप्ट रिडन से कैश रिच बिजनेस सिर्फ 2 महीने के अंदर एफसी 21 को ज्वाइन करने के बाद, क्यों, उन्होंने ना वो सारी की सारी कैश फ्लो की टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू कर दिया अपने बिजनेस के अंदर। और ये देखो कि ये सुनील उपलब्ध जी क्या कह रहे हैं, कि कह रहे हैं जगमोहन सोल्ड माई ऑल कैश क्रंच इशू इन जस्ट 2 सेशंस and it's beyond his imagination, क्योंकि मैंने इनसे ना फाइनेंस के उस क्रक्स के उस डीपर लेवल के प्रिंसिपल को मैंने जब डिस्कस किया और उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट किया, तो ना इनके जो कैश क्रंच के इशू है वो सोल्व होने शुरू हो गए हैं। तो बेनिफिट क्या है इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का, देखो इसके 4 मेजर बेनिफिट है। पहला, एक तो ना आपका सिस्टम ड्रिवन अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट बनने वाला है, और जो कॉस्ट है ना वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाती है। कॉस्ट जो भी अननेसेसरी एरिया के अंदर कॉस्ट जा रही है, वेस्टेजेस हो रही है, तो पूरी तरह से हम फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर उसके ऊपर कंट्रोल लगाते हैं, और एक ना बड़ी ही सॉलिड फाउंडेशन बनती है इसके अंदर। सॉलिड फाउंडेशन किसके लिए, हाईली प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस के लिए। और वैल्यूएशन नेचुरल आउटकम है फाइनेंशियल कंट्रोल 21 प्रोग्राम का, कि आपके बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ने वाली है। कवर क्या करेंगे इसके अंदर, देखो फाइनेंशियल कंट्रोल 21 के अंदर हम जो कवर करते हैं 21 फाइनेंशियल कंट्रोल, पहला है चार्ट ऑफ अकाउंट, यानी कि जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको ना राइट तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाएगा। लेजर का नाम, सब लेजर, लेजर का नाम, सब ग्रुप का नाम, ग्रुप का नाम, उसको कहां पर किस हेड में ईयरमार्क करना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस सारे के सारे ठीक, फाइनेंशियल समरी बननी शुरू हो गई है एकदम एक्यूरेट तरीके से, बजट आपका बन जाएगा, हर महीने बैलेंस शीट बनेगी, हर हफ्ते MIS फ्रॉम अकाउंट एंड फाइनेंस बनने के लिए क्या करना है, कैसे बनेगी वो बनवाएंगे, कैश फ्लो के रूल के हिसाब से कौन कौन से ऐसे कैश फ्लो के रूल हैं जो चलने चाहिए आपकी कंपनी के अंदर, उसको रिटर्न में लिखित में डॉक्यूमेंटेड करेंगे, और उसके अराउंड बनेगा आपका कैश फ्लो का मॉडल। और पता लगे कि जितनी वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस को चाहिए उतनी है क्या, ज्यादा है कि कम है, और सही क्या है, और वर्किंग कैपिटल का इंजन कैसे काम करना चाहिए,
कितनी नेट वर्थ है आपकी कंपनी की और आपकी, और क्या ये मंथली कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है क्या, रेशियो एनालिसिस को इंप्लीमेंट करेंगे और राइट रेशियो के ऊपर आपका फोकस लेकर आएंगे, डेटर मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम करेंगे ताकि ऑन टाइम एवरी टाइम कलेक्शन इंजन के हिसाब से कलेक्शन आए, और अकाउंट पेबल सिस्टम क्रेडिटर्स की मैनेजमेंट होगी ताकि राइट पीओ टू पेमेंट आपकी प्रोसेस सेटअप हो जाए, एक्यूरेट इन्वेंट्री आपकी कंपनी की बननी शुरू हो जाएगी, एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर लग गया, जीएसटी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बननी शुरू हो जाएगी, टीडीएस भी ऑटोमेटिकली थ्रू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एडवांस टैक्स का कैलकुलेटर यानी कि टैक्स प्लानिंग की शीट हमने इंप्लीमेंट करनी है, अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए एक्यूरेट यानी कि नरेशन लिखी हुई है, सैलरी सॉफ्टवेयर चल रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ट लाइव कैलकुलेट होता है, फिक्स एसेट रजिस्टर बना हुआ है, इस तरह की चीजें लगी हैं, पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप होना है आपके अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग शीट, हर एक एक्टिविटी की वीडियो, मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से, फिर वीकली ईएम का होना और मंथली रिव्यू का होना, और आखिरी में एक वैल्यूएबल ऑडिट रिपोर्ट का सिस्टम आपकी कंपनी में किस तरह से चलेगा, यानी कि इंटरनल ऑडिट का सिस्टम, ये कवर कहाँ करेंगे हम, ये 21 आस्पेक्ट हैं जो FC21 में कवर होते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम काम कैसे करता है, देखो ये ना 3 महीने का प्रोग्राम है जिसके अंदर हम इंप्लीमेंट करेंगे 21 एडवांस फाइनेंशियल कंट्रोल टूल। कैसे, सबसे पहले देखो लाइव सेशन होना है आपका जो मैं लीड करूंगा जगमोहन सिंह, तो ये 12 आपके लाइव सेशन होंगे जो कि हर सैटरडे 10 बजे से लेके 1 बजे तक, 3 घंटे आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। अब जो टॉपिक हमने इस लाइव सेशन में कवर किया ना, अब उसको इंप्लीमेंट करना है, मेरा एक डेडिकेटेड कोच मिल गया जीएसए का जो आपके अकाउंटेंट के साथ मिलकर इंप्लीमेंट कर रहा है, कब, मंडे से लेके सैटरडे तक इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब देखो एमआईएस जो हम काम कर रहे हैं, अकाउंट से जो रिपोर्ट आ रही है, तो एज ए बिजनेस ओनर आप उसको 15 मिनट वीकली एमआईएस की फॉर्म के अंदर देख रहे हो, और महीने में एक बार आपने कर ली मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग, 1 घंटे की मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग है जो कि हर महीने में एक बार आपके साथ में होनी है। अब ऑडिट रिपोर्ट भी डिस्कस होगी, कौन करेगा, जेएससी, तो आपके फाइनेंशियल कंट्रोलर की कंसल्टेशन करते हुए हम आपको प्रेजेंट करेंगे ऑडिट रिपोर्ट वंस इन ए मंथ। ये जो आपकी मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग होनी है ना, इसी के साथ ही आपकी वैल्यूएबल ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस की जाएगी हर महीने अगले 3 महीनों तक, और कंप्लीट मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी बन चुकी है आपके अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट की, जिसको हम साइक्लिक एंड डेलीगेशन लिस्ट सिस्टम कहते हैं, यानी कि सीएलडीएल सिस्टम, मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से। तो आपको क्या मिलेगा, आपको ना टेलर मेड एमआईएस एंड रिपोर्ट आपकी स्पेसिफिकली क्रिएट की जाएगी आपकी कंपनी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टेलर मेड, और आपका बन जाएगा एक डेडिकेटेड पोर्टल। तो आप उस डेडिकेटेड पोर्टल के अंदर क्या देख सकते हो, जो भी रिपोर्टिंग है एमआईएस की, फाइनेंशियल समरी की और रेशियोज की, नेटवर्थ की, जो साइक्लिक लिस्ट सिस्टम है, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है, ईएम है, जस्ट क्लिक किया आपने उस पोर्टल के ऊपर और आपने वर्किंग स्टार्ट कर दी। अब देखो, अब आप चेक करो कि आप क्वालिफाई करते हो क्या, अब क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, एक तो आपसे 100% कमिटमेंट चाहिए कि भाई आप तैयार हो अपने अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और ना ओपन माइंड के साथ में आप आ रहे हो इस प्रोग्राम के अंदर, तो ताकि हम ना जो नई विचारधारा और लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको इंप्लीमेंट करें आपके अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, और आपके अंदर ना एक डीप डिजायर है, वो मुझे मालूम है, तभी तो आज आप इसका सेशन देख रहे हो, डीप डिजायर है आपके अंदर। अच्छा, अब आप अगर रेडी हो गए हो एक्सपीरियंस करने के लिए FC21 को, तो ये ना एक टोकन अमाउंट मैंने इसका रखा है 1,50,000 प्लस जीएसटी, 3 महीने का प्रोग्राम है, ये टोटल फीस है उस प्रोग्राम की। दिस इज दी सबसे सिंपल, सबसे आसान, सबसे कोस्ट इफेक्टिव मेथड है ये। अच्छा, 1,50,000 प्लस जीएसटी का, और मेरी पर्सनल गारंटी तो आपको है ही है, तो मेरी 100% कमिटमेंट है कि अपने प्रूवन सिस्टम जो है ना, हमने FC21 के अंदर इंप्लीमेंट करने ही है, और 15 दिनों के अंदर ही ना आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि दिस इज द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ फॉर इंप्लीमेंटिंग FC21। अच्छा, कविंदर सिंह जी क्या कह रहे हैं, कविंदर जी कह रहे हैं कि ये ना मेरे लिए नो ब्रेनर था फॉर ज्वाइन करने के लिए, मतलब कि देखो तूने 3 साल का काम 3 महीने में करवा दिया, मतलब मुझे वो कहना है कि 100 विनी 1,000 टाइम्स
हायर वैल्यू उनको एक्सपीरियंस हो रही है ये प्रोग्राम करने के बाद। और जसराज कालरा जी जो डायरेक्टर है नोबल मोड वाले क्या कह रहे हैं, ये ना सिंपल है, शार्प है, सुपर इफेक्टिव है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट के तो वो दीवाने हैं। जिस तरह से उनको टीम जेएस से और जगमोहन से अमेजिंग सपोर्ट मिली है, वो क्या कह रहे हैं, इट इज ए मस्ट ज्वाइन प्रोग्राम फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर। आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि ये जीएसए ऑनलाइन से डिफरेंट कैसे है। देखो जीएसए ऑनलाइन में मैंने आपकी फाइनेंशियल समरी बनवा दी, एफसी 21 के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम ही इंप्लीमेंट कर देंगे। कितना टाइम आपको देना पड़ेगा, देखो आप एज ए बिजनेस ओनर 12 सेशन अटेंड कर लो एवरी सैटरडे 3 आवर, 15 मिनट आपने देने हैं अपनी एमआईएस को और 1 घंटा आपने देना है मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग को। और आपकी टीम कैसे काम करती है, साइक्लिक टास्क लिस्ट के हिसाब से काम करती है। अगर आपको बहुत नॉलेज नहीं है फाइनेंस के बारे में, अरे तभी तो ये कोर्स कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको प्रायर फाइनेंस की नॉलेज है, आप फाइनेंस वाले बंदे हो कि नॉन फाइनेंस वाले बंदे हो, बिल्कुल डे टू डे इजी लैंग्वेज के अंदर मैंने रियल लाइफ के एग्जांपल को स्टडी करते हुए ये आपके साथ में कोर्स करना है। तो आप पूछ रहे हो कि क्या मैं अपनी टीम के साथ भी ज्वाइन कर सकता हूँ, यस ये नेसेसरी है। देखो आप और आपकी टीम इसको ज्वाइन करेगी और आपकी टीम जब ज्वाइन करेगी तो वो मेरी टीम के साथ मिलकर इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करेगी। टीम के लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं है, हाँ आपके पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं, आपके ग्रुप से हैं, वो ज्वाइन करना चाहते हैं आपके साथ, वो भी इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो आप ना पहला एक सेशन जो है FC21 ज्वाइन करने से पहले आपके लिए मैंने कॉम्प्लीमेंट्री रखा है, आप जरा 3 घंटे का सेशन करो अपने अकाउंटेंट के साथ मिलके, अच्छे से देख लो, समझ लो, कर लो क्या मैं करवाता हूँ उस 3 घंटे के प्रोग्राम के अंदर, जिसके की टोटल 12 सेशन होने हैं, उसको समझ लो तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो मुझे बताओ आर यू रेडी एवरीबडी, yes if you are ready then let us start doing that। So Upasana is there with me, तो आपके साथ में उपासना सब कुछ कोऑर्डिनेट कर लेंगी, आपकी प्रोसीजर, आपको लिंक देना, वर्किंग करना। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट कंप्लीट FC21 इन योर लाइफ इन योर कंपनी। थैंक यू।